फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इतनी चढ़ाई करने के बाद, लेकिन आपको लगेगा कि इतनी दूर आने के बाद दिखेगा क्या, तो आप एक बार यहाँ से पूरा व्यू तो देखिए। अभी हम लोग हैं 1800 फीट ऊंचे पहाड़ी पे और यहाँ से आप नज़ारा देखिए एक बार। दोस्तों हम आ पहुंचे हैं बाबा मंगलेश्वर धाम। ये धाम बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे सावन में बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। ये वहाँ पे महादेव का मंदिर है और ये मंदिर सोनभद्र में सबसे ऊंची स्थित चोटी पे मंदिर है। आप जैसे देख सकते हो जिस पहाड़ी पे हम खड़े हैं, इस एरिया को गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो पहाड़ी वो सोनभद्र की सबसे ऊंची चोटी है और सामने आपको वहाँ पे व्हाइट कलर की चोटी दिख रही होगी, वो है बाबा महादेव का मंदिर। तो हम चलेंगे वहाँ पे और पूरा आपको यहाँ का व्यू दिखाएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। करते हैं इस पूरे जगह को एक्सप्लोर, तब तक आप एंजॉय करिए यहाँ के सिनेमैटिक शॉट्स को। ऐसी ही दिखती होगी। हम सोच रहे हैं कि हम उस पॉइंट पे किसी तरह पहुंच जाए। वहां से अगर आप देखेंगे ना एकदम गहरी 1800 फीट नीचे का और क्या अमेजिंग व्यू होगा। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उस तरफ कैसे पहुंच जाए। एक बार आपको यहां से दिखा देते हैं। ओह माय गॉड, दिस इज द बैलेंसिंग रॉक ओवर हियर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इतने से बेस पे अटका हुआ है। दोस्तों अब हम चल रहे हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पे आने का सबसे अमेजिंग बात यह है कि आप चारों तरफ देखेंगे तो डीप वैलीज हैं, तो व्यू तो जबरदस्त मिलेगा। यहाँ से सनराइज और सनसेट अमेजिंग दिखता है। तो अगर आप आ रहे हैं तो हम तो कहेंगे कि सनराइज के वक्त आइए, सनसेट के वक्त तो कभी वेट मत करिए क्योंकि यहाँ से जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलते हैं मंदिर के अंदर, दिखाते हैं आपको कौन कौन से मंदिर हैं और कैसा है वहाँ का नज़ारा। रिकॉर्ड करते रहते बैक। तो हर हर महादेव। तो आप जैसा देख सकते हैं ये महादेव का मंदिर है। यहाँ पे भोलेनाथ का शिवलिंग है। मंदिर अभी बंद है, ताला लगा हुआ है, तो अंदर नहीं जा पा के आपको दिखा पा रहे हैं। लेकिन अगर आपको पूरा भव्य दर्शन करना है और यहाँ का पूरे नज़ारे का मज़ा लेना है तो मैं कहूँगा आप सावन के महीने में आइए, क्योंकि सावन के महीने में यहाँ पे पूरा एक महीने तक पूरा भंडारा लगा रहता है और पूरा मेला लगा रहता है। यहाँ के पंचमुखी हनुमान मंदिर यहाँ पे और वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मंदिर तो भव्य भव्य नहीं दिखेंगे, लेकिन ये जगह बहुत ज़्यादा भव्य है। यहाँ का खूबसूरत लोकेशन आपको एकदम अमेजिंग फीलिंग देगा और चिल वाइब्स का मज़ा देगा। तो मंदिर में तो कुछ खास है नहीं दिखाने को, मैंने आपको दिखाई दिया। यहाँ पे सिर्फ दो मंदिर, एक इस साइड बना हुआ, एक ये बना हुआ जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी भी। बाकी जो है यहाँ का व्यू ही सबसे ज़्यादा अमेजिंग है, जिससे लोग यहाँ पे सालाना आते हैं। अगर आपको मंदिर का मज़ा है, दर्शन का आनंद लेना है, तो आप सावन के महीने में आइए। आपको इधर चलते हैं, यहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं कि कैसा है नज़ारा। तो आपने यहाँ का मंदिर तो देख लिया, लेकिन आप सोचते हो कि लोग यहाँ पे इतना ज्यादा क्यों आते हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे लोग आते क्यों। भाई ऐसी कोई जगह हो, अगर हम कहें जन्नत कोई जगह होती है तो शायद इसी को कहते होंगे। एक बार आप चारों तरफ नजर डाल के तो देखिए, ये पूरा पहाड़ों के बीच में बसा हुआ और एकदम हम लोग टॉप पे है पहाड़ के, और यहाँ से आप देखिए वैलीज का नजारा। मतलब कहीं कहीं मुश्किल से ऐसा सीन देखने को मिलता होगा, और ऐसे ही सीन के लिए लोग 1800 फीट ऊपर आते हैं।
व्लॉग में मजा आया होगा। अगर मजा आया होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है और आपके एक लाइक करने से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पर्टिकुलर एरिया का सीरीज बाई वीडियो मिलता है। तो आप अगर एक सीरीज को देखेंगे तो आप कंप्लीट उस जगह की लोकेशन को पूरा एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो अगर आपको हमारा व्लॉग देखने में मज़ा आता है और अब कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वाले व्लॉग में इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय। Maybach.